मामा, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने नेल्स खुद काट सकता हूँ। कभी भी नहीं, जब तक तुम्हारी मामा जिंदा है तुम कभी बड़े नहीं होगे। और नेल्स तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं काटने दूंगी, अपनी उंगली ना काट लो तुम, मुझसे तुम्हारी तकलीफ नहीं बर्दाश्त होती। तनवीर के साथ भाग जाऊंगी अगर अब तूने अब्बा से कुछ बात नहीं की तो। जन्म जली, मुंह अच्छा नहीं है, बात तो अच्छी कर। और तुझे बहुत शौक है ना भागने का, जा भाग जा। अम्मा तू अब्बा को कुछ क्यों नहीं कहती, वो जो सब कर रहा है उसको क्यों नहीं कह रही तू कुछ? और मैं क्या करूं, उसके सर पे तो कर्जे का भूत सवार है। एक बार बता अम्मा, वो जो 40,000 के कर्जे की बात करता है वो 40,000 गए कहां? घर ना पक्का किया उसने, ना कोई पंखा लगाया, ना टीवी लगाया, कहाँ गए 40,000? और तेरे सामने तो पूछा था कैसे उसे नीलम नील कर दिया मुझे, और तू भी पूछ के देख ले, तेरा भी शौक पूरा कर देगा वो। अम्मा तू बस अब्बा से बात कर और रशीदा खाला को कोई तारीख दे दे। बड़ी कोई तू बेशर्म, बेहया है, बेगैरत, वो अपने ही ब्याह का दिन मांग रही है माँ बाप से। तो अम्मा क्या करूँ, यहाँ गर्मी में पड़े पड़े सड़ जाऊँ है? कम अज कम मेरे शोहर के घर पे कोई पंखा तो होगा, किराए का ही सही, पर रिक्शा तो है, कुछ तो है, सिग्नलों पे तो नहीं फिरना पड़ेगा। ओ नाजो, ये सब्ज बाग मत देख, ये सब किराए का है, जिस दिन भी मालिक ने ले लिया ना, वो तू और तेरा तनवीर और तेरी खाला रशीदा रोड पे पड़े होंगे। अम्मा तू ना मुझे मेरी सगी माँ नहीं लगती, ऐसी मुँह भर भर के बद्दुआएं देती रहती है। हाँ हूँ मैं तेरी सुतेली माँ, जा सगी ढूंढ ले जाकर, मनहूस ना हो तो। अम्मा मैं बता रही हूँ, बाद में कुछ हो गया ना मुझे इल्जाम मत दीजो। मनहूस तेरा गला दबा दूंगी। दबा दे, गला भी दबा दे मेरा। आए मेरे अल्लाह, जब ये आती है दिमाग खराब कर देती है मेरा, सर दर्द कर दिया।